बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ Instagram की इस वायरल वीडियो की एडिटिंग जो कि काफ़ी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है एंड इफ एन टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर एडिटिंग वीडियो सो विदाउट एनी फर्द डिले लेट्स गट स्टार्ट सो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम खोलना है रील वाले सेक्शन में आना है सॉन्ग मैंने सेलेक्ट कर लिया अब आपको टाइमर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ से आपको टाइमर लगानी है 3.1 पॉइंट वन सेकेंड की ठीक है सिंपली आपको इस साइड में ड्रैग करना है 3.1 पॉइंट वन सेकेंड एंड यहाँ सेट टाइमर पे आपको क्लिक कर देना है ओके okay. इसके बाद अगर आपको कोई फिल्टर लगाना है तो आप लगा सकते हो मैंने पहले से यहाँ पे लगा रखी है so, सो आपको सिंपली इस टाइप में यहाँ पे फिंगर को रखना है एंड आपको इसे जूम करना है कब जूम करना है मैं आपको बता देती हूँ ठीक तो है तो फिलहाल हम लोग एक्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी स्टार्टिंग वाली सो so, यहाँ तक हमें सिंपली यही करना है अब आपको इसे जूम करना है ठीक है तो जूम कैसे करना है यहाँ पे फिंगर रखना और फिंगर रखने के बाद आपको ऊपर में स्वाइप अप करना है ठीक है जस्ट लाइक दिस तो इतना हम अपने फेस को जूम करेंगे एंड जूम करने के बाद यहाँ से साइड हट जाएंगे एंड बस हमारी बैकग्राउंड अब दिखनी चाहिए सो तो फिर से हम इसे जूम करना है बैकग्राउंड को तो आपको यहाँ पे अपनी फिंगर को रखना है एंड इस पर रखने के बाद आपको ऊपर ले जाना है ठीक है जस्ट लाइक दिस ऊपर ले जाना है जूम हुआ एंड फिर आपको वापस नीचे आ जाना है ठीक है सो ये करने के बाद आपको यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है मेरे वीडियो उसे ट्रिम करेंगे ओके एंड यहाँ से सीजर का ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट पार्ट को सेलेक्ट करके सीजर पे जाएंगे एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ट्रिम कर लेंगे इससे so, स्टार्टिंग में ठीक है एंडिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसे हम ट्रिम करेंगे जस्ट इस साइड में ड्राक करके ओके okay? जैसे जूम होता है बस उतना पार्ट चाहिए ठीक है तो ये करने के बाद आपको ऊपर ट्रिम का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है अब सेकेंड पार्ट को थोड़ा कर लेते हैं सो so, इसको स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों साइड से मैं ट्रिम करूंगी बिकॉज थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है मुझे ओके okay, ये जूम हुआ एंड जूम इन हुआ ठीक है तो दोनों साइड से मैंने ट्रिम कर लिया अब ऊपर ट्रिम का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है ओके ये करने के बाद हम डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो so, अब हम अपने लास्ट पार्ट को शूट करेंगे तो आपको जो भी फिल्टर चाहिए आप अपनी फिल्टर सेलेक्ट कर लेना ओके ये मैंने कर लिया अब आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा फ़ोन के पास आ जाना है ठीक है एंड फ़ोन को अपने हाथ में ले लेनी है एक मिनट मैं निकाल लेती हूँ ओके सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लोज आ जाना है एकदम फ़ोन के स्क्रीन के पास ओके एंड आपको क्या करना है ना जैसे म्यूज़िक होगा तो आपको फ़ोन से दूर जाना है एंड अपनी फ़ोन को नीचे ले जाना है ओके करके दिखाती हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं जस्ट इस टाइप में आपको ऊपर जाना है एंड अपने फ़ोन को नीचे ले है ठीक है बस इतनी से ये करने के बाद रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें सो so, अगर आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड अगर ब्लर इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको यहाँ से पोस्ट कर सकते हो सो so, डाउनलोड करने के बाद सिंपली हम वीटा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आप चाहो तो इन शॉट भी यूज़ कर सकते हो सो वीटा ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे जाएंगे एंड यहाँ से जो वीडियो हमने इंस्टाग्राम से सेव करी थी उसे सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम आगे आएंगे सिक्स सेकेंड पे पॉज करेंगे या फिर वहाँ पर जहाँ पे आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए जहाँ पे हम अपनी फेस को ऊपर करें वहाँ पर पॉज करेंगे इफेक्ट के ऑप्शन पर जाएंगे देख सकते हो फिर से इफेक्ट पर जाएंगे एंड यहाँ बेसिक के अंदर आपको ब्लर आउट का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको सिंपली उसे सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आप आपको यहाँ से इसे ओके कर देनी है ठीक है इसकी ड्यूरेशन आपको उतना रखना जहाँ आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए उतना सो so, जहाँ तक मेरा फेस ऊपर वहीं तक मैं इसे रखूँगी बाकी मैं इसे ऐसे ट्रिम कर लूँगी ठीक है so, सो ये करने के बाद आपको यहाँ से सिंपली बैक आ जाना है एंड ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको सिंपली वहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना है ठीक है